السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فترة الناس كعذاب الله ولئن شاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين اور بعض لوگ ایسے ہیں جو زبانی लेकिन जब अल्लाह की राह में कोई मुश्किल आ पड़ती है तो लोगों की ईज़ा दही को अल्लाह का अजाब समझ लेते हैं और जब हमारी मदद आती है तुम्हारे रब की तरफ से मदद आती है तो पुकार उठते हैं कि हम तुम्हारे साथ थे कि अल्लाह ताला दुनिया वालों के सीने के हालात को नहीं जानता आज के इस मजनिस में अल-कबूत की आयत नंबर दस के साथ हम आपकी ख़िदमत में हाजिर हैं अल्लाह ताला ने एक पैगाम इस आयत में दिया कि इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती जैसे मौसम होता है ना, तब्दील होता है बारिश धूप हवा आंधी तूफान ठंडक गर्मी तो ज़िंदगी भी कभी खुशी कभी गम कभी तकलीफ़ कभी आराम कभी मशक्क़त कभी परेशानी दुख सुख मुसीबत आफत खुशहाली ज़िंदगी के भी बहुत सारे रूप होते हैं ज़िंदगी में ये मरल क्यों आते हैं ये उतार चढ़ाव नरशेबो फराज क्यों आता है ताकि अल्लाह ताला पहचाने मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है सच्चा कौन है झूठा कौन है वरना अगर सारा मामला एक ही का रहेगा तो मुनाफिक की पहचान कैसे होगी ईमान वालों की शनाख्त कैसे होगी और फिर वो जो सार्हन और नेक लोगों की जमात में शामिल किए जाने का जो बहुत बड़ा एजाज़ अल्लाह ने मुकर किया सारे लोग उसमें शामिल होना चाहेंगे तो आजमाइश ये शर्त और यकीनी और ज़रूरी चीज़ है तो फरमाया कि वो जब कोई तरक्की देखते तो कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं मुसीबत देखते तो उसको अल्लाह का अजाब कह देते या फिर इससे बढ़ के बाद अम्बिया की जमात के लोगों ने मुसीबत या परेशानी को अम्बिया ही पर लौटा देते कि तुम्हारी वजह से ऐसा है जैसा कि गुजशत कौमों के बाद अम्बिया का जिक्र कुरान में जगह जगह है तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह सीने के अंदर की बातों को जानता है और ज़िंदगी के ये मराहल जो तुम्हारे सामने आते हैं इससे तुम्हें गुजारता इसलिए है ताकि तुम्हारी आजमाइश सामने आए तुम्हारा ईमान सामने आए तुम में से कोई यह ना कि मेरे साथ जुल्म हो गया मेरे साथ जाति हो गई मैंने ये किया वो किया नहीं ये ईमान है ये दर्जा है आजमाइश का ये नतीजा है ये तुम्हारा नतीजा और तुम्हारा जो है रद्द अमल और यह नतीजा सामने है तो इस आयत में सूर्य अल कपूर की दस नंबर की आयत में एक बड़ा वाज पैगाम दिया गया कि सिर्फ़ ज़बान से ईमान का इकरार काफ़ी नहीं है ईमान इसीलिए कहते हैं कि तस्दीक बिल कल, इकरार बिल बिलनसान अमल बिल अरकान दिल से तस्दीक जबान से इकरार करना दिल से सच्चा जानना ज़बान से इक़रार करना और आज़ा और जवार से यानी जिसम के जिन आज़ा से अमल का मुतालबा किया गया अमल करे तो ईमान के तीन जो रुकन हैं के दिल भी गवाही दें इक़रार भी करें और आज़ा अमल भी इसके ज़रिए इजहार भी करें ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है क्यों ये पाबंदी लगाई गई ईमान के लिए ताकि ईमान खिलौना ना हो जाए हर आदमी कह रहे मैं तो मोमिन हूँ मोमिन लिबास पहन ले दाढ़ी रख ले और जो है टोपी पहन ले और अपने ईमान का और मोमिन का इज़हार कर दे नहीं अल्लाह ने कड़ी शर्त लगाई इसलिए कि इनाम बहुत बड़ा है दूसरा जो मसला इस आयत से साबित होता है कि आजमाइशें बंदे के ईमान को परखने के लिए आती हैं और उसके बाद उसका एजाज़ अल्लाह ने बहुत बड़ा रखा है तीसरा मसला जो इस आयत से साबित होता है अगर ये आजमाइशें न आती तो फिर मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क नहीं किया जा सकता हर आदमी अपने आप को पक्का मोमिन कहता तो आजमाइशें इसलिए भी आती है कि सच्चा और झूठा वाजे हो जाए चौथा मसला जो साबित हुआ कि अगर किसी का ईमान मजबूत नहीं है तो आजमायश में साबित क़दम नहीं रहेगा पलट जाएगा भाग जाएगा और ईमान मजबूत है तो साबित क़दम रहेगा और सबसे मज़बूत ईमान वाले अल्लाह के अम्बिया थे नबी के सहाबा थे आपके तबयन थे आपके जो उनके रास्ते पे चलने वाले आईमा फा मुहदसिन थे अल्लाह के नेक बंदे थे तो जिस का जिस क़दर ईमान मजबूत होगा उतना ही वो आदमाइश में साबित सबितदम रहेगा फरार नहीं अख्तियार करेगा पाँचवा मसला के मुनाफिकी खुशहाली में मोमिनों के साथ होना चाहते और जब कहीं तकलीफ़ या मशक्कत आती तो किनारे हो जाते पल्ला झाड़ लेते तो अल्लाह ने उनकी चूँकि उनके सीने और दिलों की बातों को जानता है उसका ज़िक्र किया और ईमान के खरे खोटे को तोलने के साथ कामयाबी को मशरू करार दिया इसी तरह छठा जो मसला साबित होता है कि मदद सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है यानी मदद दुनिया की किसी ताकत के पास नहीं है वाला इन ज नसरों में हर किस्म की मदद सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से आती है और वो लोग जो कहते या मदद, या गौस मदद, या ख्वाजा मदद, मदद का पावर सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है कोई इंसान है ज़िंदा है आप उससे आर्ज़ ज़ाहरी मदद में भाई मुझे पैसे की मदद करो डूब रहा डूबराऊँ बचा लो या एक्सीडेंट में गाड़ी से लड़ गया उठा लो ये मदद अलग चीज़ है यह इंसान इसके बारे में तो हदीसों में हम बताया गया कि तुम में से कोई अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो पहुंचाए लेकिन वो मदद जो मुख्तार सिर्फ अल्लाह है अल्लाह के हाथ में है वो मदद जो आसमान से आती है वो अल्लाह के हाथ में है और वो जो मर गए दुनिया से चले गए वो मदद के किसी तरह से मदद की ताकत नहीं रखते हर किस्म की मदद अल्लाह के हाथ में है और मदद सब्र के साथ आती है छठा मसला निफाक की ख़तरनाकी को बयान किया गया इस आयत में अवैसलब आलम बिमा फ़ी आलमीन दुनिया वालों के सीने में जो है अल्लाह ताली उसे जानना चाहता है कि अल्लाह तला उसे नहीं जानता है वरी सब आलम कि अल्लाह ताली उसको बहुत ज़्यादा नहीं जानता अल्लाह जानता है कि सीनों में क्या है नफाक़ है़्र है क्यों ऐसा ताकि उसी के लिहाज से लोगों को बदला अता किया जाए क़्र और नफाक को दुनिया वालों को बताया जाए कि ईमान क्या है है़्र क्या है नफा है क्या है वलै आलमल्लामनु वल आलमन्मुनाफ़िन और ऐसा इसलिए भी ताकि अल्लाह ईमान वालों को और मुनाफिकीन को जान जाए ईमान वाले मुनाफी से धोखा ना खाएं और मुनाफिकीन ईमान वालों को किसी तरह का धोखा ना पहुंचा सकें यानी ये हिकमत अल्लाह ने मुकर्रर की ताकि इस हिकमत के साथ ज़िंदगी गुजारें तो कभी मुनाफिकीन की सफों में नहीं रहेंगे उनसे धोखा नहीं खाएंगे अल्लाह सीनों के और दिलों के अंदर का हाल जान करके बंदों को एक गाइडलाइन दे रहा है रास्ता बता रहा है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती फ़रमाए कुफ्र और नफाक के अमल से और उसके ख़तरनाक अंजाम से हमारी हिफाजत फरमाए इन नलमुनाफिकी रफि दरकिल असपल मिनन्नार वलन तज़ अलहम नसीरा मुनाफ़िन जिनका ईमान जाहिर में होता कहा गया कि जहन्नम के निचले तबके में होंगे और उनका आप कोई मददगार नहीं पाएंगे इसलिए कहा गया आज़माइश इसलिए आती है कि उन लोगों के से धोखा ना खाएं ना उनके साथ हों अल्लाह हमारी मदद फरमाए आमीन व व अला महमद व वसब अजमैन सामने किराम नाज़रीन किराम आपकी मोहब्बत और नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया और सूर्ल कबूर की तफसर के साथ इशल हम अगली मजलिस में फिर हाज़िर होंगे इसके बाद हम सूर्न कबूर की आयत नंबर बारह और तेरह तफसीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे अल्लाह आपको ज़ाय खैर अता फरमाए ईमान की बुलंदी अता फरमाए हमें और आपको नेक लोगों की जमात में शामिल फरमाए व बरकातहू दीन की बात आम करने में आई प्लस टी वी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें